Hi guys, welcome back to my natural channel. Hello friends, welcome to my channel. कैसे हैं आप सभी लोग? Friends, आज है 12th of April और आज मैं कोई vlog recording कर रही हूँ. आज आप लोगों की demand पर हम करने जा रहे हैं एक challenge. सोच रहे थे पहले फूड चैलेंज करते कुछ, लेकिन ऐसे में इतना तो कुछ अवेलेबल है नहीं, तो हमने सोचा कि आप लोग बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि हम एक बहुत अच्छा कपल है, तो आज हमने क्या सोचा है कि हम एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. मैंने अपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं 10, इसमें इन्होंने अपने अलग लिख लिए हैं. देखते हैं हम दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं. हमें नाक मत कटा देना, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं हमें. ठीक है, बता देना सारे आंसर. ठीक है, तो हम दोनों ने अपने अलग अलग क्वेश्चंस लिख दिए हैं और इसमें क्या होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी अपने बारे में तो इनको उसका सही आंसर देना होगा और आंसर देने के लिए दो चांस मिलेंगे. जैसे एक गलत होगा तो एक चांस और मिलेगा और स्कोर देखा जाएगा लास्ट में किसका और इससे कम और वो स्कोर का यार, मैं पापा की टीम में और दीदी मम्मी की टीम में. और ये देखो यार, लिखा है कमल और यह मोनिका टोपिल. जो टोपिल हम यहाँ पे दोनों के पॉइंट्स लिखेंगे और जो हारेगा, हारने वाले को हमेशा की तरह फिर से एक पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन पनिशमेंट हमने अभी तक सोची नहीं है. मम्मी के लिए ना, बताओ बताओ वो पनिशमेंट क्या है. मैं पापा की टीम में और दीदी आप किसके टीम में हो? नहीं मैं तो पूछ रही हूँ. चाचू की टीम में तो इधर चलो. चाचू कहाँ गए? सॉरी आप इधर आओ. फिर जो हाले खाना वो ना मुर्गे के चाचे चलेगा, जो हारने वाले का चाटी होगा उसको भी चढ़ना होगा. यानी मैं दीदी का दिमाग चलाया पनिशमेंट के लिए. मुझे लगा मैंने सोची पनिशमेंट. अच्छा अच्छा, दोनों ने मिलकर सोचे बस. तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गई पनिशमेंट इन्होंने बोला है, जो हारेगा उसको बनना पड़ेगा मुर्गा. और ये शायद ना उस चीज का असर है क्योंकि काफी वीडियोस आ रही है बाहर, जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पुलिस वाले उनको इस तरह से घुमा रहे हैं रोड पर. आई थिंक वहां से आइडिया मिला है, ऐसे ही कुछ है क्या? तो फ्रेंड्स चलिए हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपना चैलेंज स्टार्ट करते. तो पहले आप पूछो क्वेश्चन, मैं पूछू. आप इतने फिट हो कि बन ही नहीं पाओगे. बन जाऊंगी, आप अपना देखो. अरे मुझे करना है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? इससे मैंने अपना छुपाया हुआ पेट. कलर बताओ फेवरेट कलर. आपका फेवरेट कलर है आपका ब्लैक पहन के बैठे हुए, ये तो मुझे पता है ना. आंसर भी तो बोलो. ठीक है ठीक है. अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हमारी शादी की सालगिरह हुई थी, कौन सी सन डेट सब बताओ. हमारी शादी की डेट बहुत कंफ्यूज होती क्योंकि मेरी और जो दीदी है आगे पीछे हुई थी तो उसमें बड़ा कंफ्यूज होता. जल्दी बताओ जल्दी जल्दी. आपको 22 नवंबर और पीछे का ईयर 2011. चलो मुझे उम्मीद नहीं थी जो डेट है वो बताएंगे. चलो ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन. मैम मिस्टर दिल्ली कब बना था? ये नहीं पता, ये नहीं पता मेरे बारे में. ये परफेक्ट बताना सही आपको. आप बने थे, इसे आपको मालूम है? आप बने थे 2015 में. सच में? ना सोचा था, ये पता आपको था?
ऐसे कि मैंने ऐसे सोचा कि जब मेरी शादी होगी तो उसके 3-4 साल बाद का टाइम, मैंने क्योंकि बस ऐसे ही बोला मैंने। सही है सही है सही है, इसमें मैं हार सकती थी लेकिन नहीं हारी। अब नेक्स्ट पहले कह रहे थे मेरी फेवरेट मूवी। फेवरेट मूवी मुझे पता है, बाहुबली फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्या इनके दो पार्ट्स हैं ना, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड हाँ। ओ अब आपका क्वेश्चन। जाना पसंद है मेरे को घूमना। घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद है मतलब? अच्छा थोड़ा हिंट दो कि आप वहाँ हो है पहले या अभी तक आप नहीं गए? गए ये क्या बात है, मतलब एक ऐसे बता दो जैसे पहाड़ों पे या समुद्र वाली जगह पे। अच्छा आपको पहाड़ों पे जाना पसंद है। गोवा नहीं, पहाड़ों पे मनाली। हाँ तो फिर है ना मनाली, मतलब पहाड़ हो जहाँ पर। हाँ 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 मनाली गलत है आपका ना। क्यों आपने गोवा बोला ना? मैंने बोला तो चार ऑप्शन मिलेंगे, दो चांस मिलेंगे आंसर देने के लिए। ये किसने बोला है? गलत बोला पहले, गोवा बोला भाई। हाँ ऐसे नहीं होता, काटो ऑप्शन का। मैंने बोला था दो चांस मिलेंगे सब में। नहीं काम पता है। अच्छा चलिए ठीक है, इनको लग रहा है कि फिर उसे हेल्प हो गया तो एक ही चांस मिल रहा है, बस मेरा गलत हो गया बस। वरना वैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप कई बार गए हो? मैं नहीं गई वहां पर, आज तक नहीं गई हो, और मेरा वहां जाने का बहुत मन है। हिंट मिल गई अच्छी खासी, आप वहां पर कई बार गए हो बताओ तो बताओ। और मेरा वहां पर जाने का बहुत ज्यादा मन है, और मैं बचपन हाँ वैष्णो देवी। चलो मेरा यूट्यूब चैनल फेवरेट। अच्छा आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है मिस्टर कमर फिटनेस इंडिया है ना, आपको आप तो अपने खुद ही फेवरेट हो। बताओ आंसर ठीक है नहीं? हाँ ठीक। अब मैं पूछती हूँ, मैं शादी से पहले कहाँ घूमने गई थी जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था? मतलब जगह अच्छी थी लेकिन उस टाइम पे हमारे मतलब हमारी बहस हो गई थी। मैंने कहा जवानी वाला ट्रिपल एच। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं बार बार जाना पसंद करती हूँ? मुझे पता है, तुम्हें पता है। बार बार जाना पसंद करते हैं मतलब यहाँ को छोड़ के, हमारा जो घर है इसको छोड़ के बताओ कहाँ जाना पसंद करते हो जहाँ से मेरा मन नहीं बढ़ता? नोएडा। मेरा माइक का चलो बताओ मतलब मामा के घर। फेवरेट कार्टून शिनचैन। मेरा इनका नहीं पूछा नहीं, आप क्यों बता रहे हैं? एक ही चांस मिला था। क्या मेरा फेवरेट कार्टून है मारियो? क्या है आप बताओ? मैंने बोला था शिनचैन। हे मैन कौन से जमाने का? चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हातिम अलिफ लैला और शक्तिमान, इन तीनों में से कौन सा सीरियल मैंने और जो मेरा छोटा वाला भाई हम दोनों मिलके साथ में देखते तो हमने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया? पता है हातिम अलिफ लैला और शक्तिमान, एक भी एपिसोड मिस नहीं किया हमने। और भाई से पूछ रहा मेरे से कि पूछ रहे नहीं तो मैं मतलब मोस्टली इनको कहती रहती थी मैं और जो मेरा भाई हम दोनों साथ में देखा करते थे। बताओ हातिम। मुझे लग रहा है मैं शक्तिमान बोलने वाला था पहले। मैंने थोड़ा बोला आप लोगों ने डिसाइड किया, मैं तो पहले बोल रहा था मुर्गा बनते हुए अच्छे लग रहे, आवाज भी निकालने कुकड़ों को। क्या
दीदी क्या हो गया आपके? 17 मतलब है? आह मतलब पूछो आप, मैं पूछ रही. अच्छा मेरी हॉबी क्या है, फेवरेट चीज जो मुझे करना पसंद है? मुझे पता है, कुछ कुछ बनाते रहो खाते रहो किचन में. गलत जवाब. मुझे डांस करना अच्छा लगता है. मुझे तो लग रहा था कि वैसे तो दिखाते हो कि खाना बनाना है. तो खाना बनाने में सीन नहीं ना, तो अभी तो कहते हो खाने के ज्यादा मन करता है. अच्छा लगता है. 10 साल में कितनी बार डांस सिखाया है ये भी बता दो. दिखाना जरूरी थोड़ी ना है. तो फेवरेट डांस पता चलेगा सीन. मैंने आपको बताया भी भाई, मुझे अच्छा लगता है डांस करना. मतलब रोज करता हूँ मैं, जिसके बिगर मतलब दिन अधूरा सा रहता है मेरा. कितना आसान है एक्सरसाइज, जिमिंग का ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, तो सबको पता है. चलो सी पॉइंट हो गया मेरा. मेरा फेवरेट हीरो कौन है? अक्षय कुमार. क्या अक्षय कुमार तो बता रखा है, गलत बात है ये, बदल दो. नहीं मैं अक्षय कुमार पहले था, फिर मेरा चेंज हो गया था जब से मैंने बाहुबली देखी. क्या उसका नाम? नाम नाम तो पता नहीं आपको? नहीं पता है, प्रभास है पूरा. फेवरेट किसका हो गया वो? मुझे अच्छा लगता है. हाँ जब से आपने कहा था उस मूवी में अच्छा है लगा, उसकी अपने फेवरेट हीरो की दूसरी फिल्म देखी आपने? कोई फेवरेट नहीं है उस मूवी को देखने के बाद. मुझे किसी मूवी को देखने का मन ही नहीं करता. तो वो मूवी फेवरेट थी आपने? आपने बदल लिया, आपने आंसर बदला है. अक्षय कुमार ही था आपका फेवरेट. अक्षय कुमार पहले था लेकिन जो बचपन से वही फेवरेट है. अच्छा फेवरेट हीरो की दूसरी फिल्म भी तो देखेगा कोई? नहीं वो उन्हीं में. अच्छा छोड़ो, फिल्म नहीं देखी ना दूसरे अपने फेवरेट, उस फेवरेट हीरो की दूसरी फिल्म नहीं देखी उस, मैं मान लूंगा आपका फेवरेट है. उसका नाम बता दो फिल्म का. दूसरी मूवी का फेवरेट कौन सा हुआ फिर? वो ऐसे ऐसे फेवरेट नहीं बोलते भाई. तो पॉइंट्स किस पे? अक्षय कुमार था ना पहले, मतलब सही जवाब है मेरा. अक्षय कुमार ही था. और पॉइंट्स का नहीं, लेकिन मेरी पसंद चेंज हो गई ना. मुझे आपको आपने बोला था उस फिल्म के अंदर पसंद है. मैंने क्लोज कर डाल दिया. आपने बोला था उस फिल्म के अंदर अच्छा लगा बस. अक्षय कुमार अच्छा है? अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार नहीं. मैंने क्लोज कर डाल दिया. ये मेरा ठीक है ना, बदला आंसर बदला. तो पूछो ना मेरी पसंद क्या, आप अपने हिसाब से चल रहे हो. तो अक्षय आपने माना ना कि उस पहले वो था, मतलब ये जरूर ये ना कोई आपका ऐसे. तो मैं एकदम टाइम पे मैं भी बदल दूंगा आंसर. तो मैंने बदला नहीं है वैसे, मैंने है ना मैं पहले से कहती हूं. चलो पूछो अपना. ये फेवरेट कौन सा हुआ जिसकी फिल्म का नाम तक नहीं पता? नहीं ये तो सबको सबको लगेगा कि वो फेवरेट नहीं होता जिसके एक ही फिल्म का नाम पता हो. चलो फिर आप पूछो. आपके हो गए 10. हाँ बस लास्ट क्वेश्चन. मैंने एक मूवी सोचा हुआ है कि मतलब मैं एक्शन करूंगी और आपको बताना है. अच्छा दो है. इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. कहते जब मुझे लगेगा ना मैं हारने वाला हूँ तो मैं और हार्ड हार्ड क्वेश्चंस पूछने लगूंगा. माय ड्रीम. आपका ड्रीम है मिस्टर वर्ल्ड के लिए कॉम्पिटिशन खेलना, जीतना उसको. ये चीजें तो आसान है. सी है यहाँ पे एक डालो पॉइंट. अब मैं मूवी का नाम पूछने जा रही हूँ आपसे, ठीक है? एक मेरा रह रहा है. आपको भी मूवी पूछनी है, बस अब सिर्फ मूवी रहती है. हॉलीवुड मूवी है, इंग्लिश हॉलीवुड मूवी है. मुझे ठीक से आता भी नहीं करना. ये क्या था? ये वो बुक में लिख रही है. चीची बंदे. अच्छा बच्चा बेबी. हाँ बच्चा, छोटा बच्चा. वहां करके दिखाना है वो. नहीं ये क्या किया था? नहीं वो छोड़ो. अच्छा दूसरा पूछ रही हो क्या? नहीं ये क्या किया था?
छोटा सा बहुत हाथ में बच्चा ले रखा है। अरे हॉरर मूवी एनाबेल, उसके अंदर डॉल होती है, उसमें वो होता है ना, तो एनाबेल कोई भी नहीं बता पाया जो देख रहे तो मैंने भी देखा उसमें ऐसा। अरे उसके अंदर डॉल होती है तो उसी के अंदर मुझे तो हराने की पूरी प्लानिंग कर रखी है ऐसा कुछ। ऐसे क्या मैं वैसे भी आ रही पड़ी हूँ। अरे छोटी सी डॉल है वो, मेरे को पता चाह रही थी। फिर मैं सिया की तरफ एक्शन इसलिए कि जैसे ये मतलब सिया गर्ल गर्ल खेलती है डॉल से। अच्छा वो कहना चाह रही थी। अच्छा आप पूछो चलो, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाए। तो आसान था, मैंने ऐसे हंस के तो दिखाया था, मैंने डेंजर वाला क्रॉस था। चलो जूम करना थोड़ा इधर, बताओ आप अपनी पूछो। हिंदी इंग्लिश बारिश रेनकोट मूवी है रेनकोट माला कोट है मम्मा ये आई एम विनर। मैंने 4 क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर दिए हैं। मेरे को कह रहे थे आप देख लो जी कौन जानता है किसको अच्छे से। मुझे इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 1 पॉइंट चार फिर पनिशमेंट चेंज कर दे मुर्गा नहीं रखते तो आप लोगों ने तो सोचा था मुर्गा बनना मुर्गी बनना इसलिए सोचा था क्योंकि चाची हार नहीं वाली थी। चिकन चिकन खाएंगे आज। चलो फिर स्टार्ट कर बॉयल चिकन खाएंगे हमने मतलब क्या था अगर बोनलेस खाना मेरे को बोनलेस अगर आप मुर्गा बनते तो हम आपको हॉल में घुमाते पूरा जो आगे मम्मी जी वाला रूम है उसमें भी उसमें राउंड्स लगवाते। मैं एक फीमेल हूँ अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना तो मुर्गा कमरे में घूम के दिखा दो तो हाँ मैं रूम में रहूंगी इतनी छोटे सिया बेड पे ये पापा जी लोगों के सामने क्या मुर्गा बन के घूमूंगे बनेंगे दीदी बनना सिया नहीं। चलो सिया का माफ कर देते बच्ची है वो सैंडी को तो बना देते ये गलत तो बात है लड़कों को बना देते हैं लड़कियों को नहीं बनाना। हम भेदभाव नहीं करते ना सैंडी दोनों बराबर है ना लड़का लड़की बराबर होते हैं ना। आवाज भी निकाल दिया रिकॉर्ड करो चाहते तो गाइस अभी ना मम्मी और दीदी मुर्गी बने की तैयार कुछ और कर सकते हैं और क्या करना है चलो उठक बैठक लगा दो आप तो 20 लगा दो चलो और सिया कान पकड़ने आप कान पकड़ने ना देखो ये रहा अब ये बस बस हो गया आ जाओ तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैलेंज जिसमें कि मैं हार गई हूँ लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा नहीं है मैंने कम आंसर्स दिए मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इनसे कि जीत जाएंगे है ना आए हैं है ना हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ब्लॉग के साथ ऐसे कर रहा एंड कर दिया तब तक के लिए बाय लगी तो नहीं कोई बात नहीं नहीं तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। अब वो भी कर अब नहीं कर रहा चलो बाय कर रहे थे आप बाय इधर विनर की ओ भाई हमारे जो विनर है घमंड में चूर हो रहे हैं कह रहे विनर की तरफ तो कैमरा आया ही नहीं घमंड आ गया भाई हमारे तरफ भी घमंड हमारे देखो मैं भी चिकन बनाना आपको बाय बोलना था ना मैं बना विजय कर रहा है ये कर रहा था इसलिए बोल रहे मेरे पास कैमरा लाओ विजय ताल अक्षय कुमार फेवरेट है बदल दिया ऐसा फेवरेट हीरो जिसकी एक ही फिल्म का नाम पता है दूसरी फिल्म का नाम ही नहीं पता ये फेवरेट हीरो होता है। अच्छा एक फिल्म भी नहीं देखी उसकी दूसरी हीरो का नाम भी मैंने बताया फेवरेट कौन सा अक्षय कुमार ही हुआ ना बदल रहा है ना वो आंसर नहीं कि आपकी 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 हॉबी है चिपक और चिपक सबको छोड़ के मुझे प्यार